देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स में मैग्नेटिक मटेरियल को तीन किस्म से क्लासिफाई किया गया है। पहला डायामैग्नेटिक, दूसरा पैरामैग्नेटिक, तीसरा फेरोमैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं? डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस हैं जिनके इंडिविजुअल एटम, एक एक लाखों करोड़ों एटम में से एक एक एटम डू नॉट पोजेस नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ देयर ओन, यानी कि ये मैग्नेट की तरह एक्ट नहीं करते। तो फिर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर एक करोड़ एटम्स हैं तो और वो मैग्नेट नहीं है, तो फिर डायामैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक मटेरियल कैसे हुआ? ये तो मैग्नेट है ही नहीं। मैं बताऊंगा क्यों हुआ, क्योंकि जब इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है दे स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ मैग्नेट। जबकि आप किसी और वुडन पीस या किसी पीस को रखोगे, ना तो पहले मैग्नेट था ना मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद वो मैग्नेट है, तो दे विल नॉट एक्ट लाइक अ मैग्नेट। तो ये इसका पहली स्टेटमेंट है। दूसरा, लेकिन जब आप इन्हें एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट इज प्रोड्यूस्ड इन द एटम या मॉलिक्यूल। एटम मॉलिक्यूल में थोड़ा मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हो जाता है, इसका मतलब कि स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ मैग्नेट। एग्जांपल है इसका कॉपर और गोल्ड। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का एग्जांपल कॉपर और गोल्ड। इसके अंदर प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, बहुत आते हैं, ऑब्जेक्टिव भी आएंगे, थ्योरी में भी प्रॉपर्टीज आते हैं। पहली प्रॉपर्टी है, क्योंकि बाय नेचर ये मैग्नेटिक नहीं है, तो इनको जब जबरदस्ती मैग्नेट बनाया जाता है तो ये मैग्नेट बनना पसंद नहीं करते, अपनी नाराजगी शो करते हैं और अपोजिशन शो करते हैं। कैसे? जब इनको आप सस्पेंड करते हो एक मैग्नेट के साथ, नॉर्मल मैग्नेट तो खुश होता है कि चलो मैग्नेटिक फील्ड में आ गया, वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन हो जाता है। ये कहते हैं हम जाएंगे नहीं, हम परपेंडिकुलर हो जाएंगे, तो ये ऐसे हो जाते हैं, अलाइन ही नहीं हुए, 90 डिग्री पे आ गए। आप कहोगे फिर ये तो नॉन मैग्नेटिक है। नहीं, लकड़ का पीस टांग के देखो तो कहीं भी खड़ा हो जाएगा, उसको फर्क नहीं पड़ता। तो कम से कम ये ऑपोजिशन तो शो कर रहे हैं, इसका मतलब दे आर मैग्नेटिक इन नेचर। सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर आप इन्हें पाउडर फॉर्म में रखें, ठीक है, पाउडर, और यहाँ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाएं, तो ये पाउडर दूर भाग जाएगा टूअर्ड वीकर फील्ड, तो स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ भागते हैं। अगर आप इन्हें लिक्विड की फॉर्म में लें और लिक्विड में यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लगाएं या वीक लगाएं, तो स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ लिक्विड का लेवल गिर जाता है, नीचे गिर जाएगा। अगर आप इनकी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ट्रेस करें, तो कोई लाइन ही अपने अंदर से पास नहीं होने देते एक्सटर्नल फील्ड की, यानी कि अपोज करते हैं। नेक्स्ट है इनकी परमेबिलिटी, ये नोट करें फॉर्मुला बुकलेट में, इनकी परमेबिलिटी म्यू आर इज ऑलवेज लेस देन वन, प्रॉपर्टी पक्का आएगी, लिख लें फॉर्मुला बुकलेट में, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस का म्यू आर लेस देन वन है। और क्योंकि म्यू आर लेस देन वन है, तो काई की वैल्यू यहां पर क्या आएगी? नेगेटिव। ये भी लिख लें, काई इसका नेगेटिव होता है, काई इज नेगेटिव। ठीक है ना, क्लियर है? तो इस केस में क्वेश्चन पता कैसे आता है, कंसिडर अ सब्सटेंस जिसका काई नेगेटिव है। अब आप सोच चुके काई किसका नेगेटिव है भाई? डायामैग्नेटिक का। वो कहेगा कंसिडर अ सब्सटेंस जिसका म्यू आर लेस देन वन है, डायामैग्नेटिक का। ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, क्लियर है यहां तक?